एटीएम सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम मनोविज्ञान में उस टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें शिक्षक को किन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। तो हमने कहा था शिक्षक तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन का कार्य करना चाहिए। प्रथम हमने बताया था सिद्धांत बताया था, दूसरा हमने बताया था शिक्षण सूत्र बताया था, और तीसरा हमने क्या बताया था, विधि बताया था। इन तीनों चीजों का शिक्षण जो है कार्य करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो इन तीनों चीजों का होना आवश्यक होता है। अक्सर लोग सिद्धांत नहीं बताते हैं कि सिद्धांत कहां उपयोग किया जाता है, लेकिन सिद्धांत प्रथम जो है उपयोग सिद्धांत का ही होता है। उसके बाद किसका होता है, सूत्रों का उपयोग करते हुए शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यदि शिक्षक के अंदर तीनों का गुण होता है, तीनों का ज्ञान है, तो शिक्षण कार्य बहुत अच्छे ढंग से करता है। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए बालकों को क्या करता है, बालकों का अध्यापन कार्य वो करता रहता है और उसको कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। तो पहला हम चलते हैं कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए देख लेते हैं, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह हो गया, पहला हो गया उद्देश्य। पहला क्या हो गया, उद्देश्य परकता का सिद्धांत। उद्देश्य परकता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य परकता का सिद्धांत प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पर्पजनेस, पर्पजनेस। अब ये होता क्या है, आइए देख लेते हैं। जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो बिना शिक्षक उद्देश्य के वो एकदम बेकार होता है। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वह शिक्षण कार्य उस नाभिक के समान होता है बिना उद्देश्य के। याद रखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं बिना उद्देश्य के शिक्षक क्या होता है। आइए देख लेते हैं शिक्षक है क्या, शिक्षक और विद्यार्थी। जो शिक्षक है अगर उसका शिक्षण कार्य कर रहा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के वो कार्य कर रहा है, तो उस नाभिक के समान होता है। किसके समान होता है, नाभिक के समान होता है जिसके स्थान का पता नहीं होता है, नाभिक के समान होता है जिसके स्थान का ज्ञान पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। नाभिक जो है किस समान ऐसा हो जाएगा कि कहां नाव को ले जाना है उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। मतलब अगर उसका उद्देश्य नहीं है तो शिक्षक उस नाभिक के समान हो जाएगा कि कहां जाना है उस स्थान का पता नहीं चलता है, और विद्यार्थी उस पतवार के समान हो जाता है। यहां लिखेंगे पतवार के समान हो जाता है जो किसी भी किनारे पर जाकर लग सकता है, किसी भी किनारे पर, किसी भी किनारे पर, किनारे पर लगता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि हम किस किनारे पर जाकर के लग रहे हैं, तो यह नहीं पता चल पाता है, और उस पतवार के लिए यह नहीं पता होता है कि हम किस किनारे पर जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि कोई शिक्षण कार्य करते समय उसकी प्रथम क्या अवस्था होनी चाहिए, किन चीजों का उपयोग होना चाहिए, तो सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक होता है। कि यदि सिद्धांत का उपयोग आप कर लेते हैं तभी आपको ये पता चलेगा कि हमको जाना कहाँ है, हमको उपयोग किसका करना है, और हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, कि मतलब अंतिम बिंदु आपको पता होना चाहिए, अंतिम बिंदु कहाँ पे है, ये हमको ज्ञान क्या कराती है, ये हमको ज्ञान उद्देश्य कराती है। जब तक उद्देश्य लेकर के
शिक्षक नहीं चलेगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको अंतिम बिंदु पर जाना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं होता है। तो शिक्षण कार्य करते समय हमको किन चीजों का ध्यान पहला होना चाहिए, तो उद्देश्य का ध्यान होना चाहिए। अगली जो पॉइंट है रुचि का सिद्धांत, अगली पॉइंट क्या है रुचि का सिद्धांत होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। तो मित्रों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, तथा जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग शेयर करें, लाइक करें, तथा वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। आइए हम चलते हैं, अगला हमारा क्या है रुचि का सिद्धांत, अगला क्या है रुचि का सिद्धांत। रुचि क्या है, रुचि का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है आइए देख लेते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, जैसे हम उद्देश्य की बात कर रहे थे कि उद्देश्य का होना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि बालकों में विषयों के प्रति रुचि नहीं है, अध्यापक के प्रति रुचि नहीं है, विद्यालय के प्रति रुचि नहीं है, तो उसके जीवन के लिए कितना भी उपयोगी क्यों ना हो सब बेकार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अध्यापक का प्रथम कार्य है कि उसको बालकों में क्या किया जाए, बालकों में रुचि उत्पन्न किया जाए, बालकों में क्या किया जाए, बालकों में रुचि उत्पन्न किया जाए। उत्पन्न करने का कारण कौन करेगा, शिक्षक करेगा, शिक्षक क्या करे बालकों में। शिक्षक का काम क्या है, शिक्षक का काम है, कार्य है कि बालकों में क्या उत्पन्न करे, रुचियां उत्पन्न करे। इस रुचियों को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इन रुचियों को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो नई नई तकनीकी के माध्यम से, नई नई विधियों के माध्यम से क्या करना रहेगा, नई तकनीकी का प्रयोग करना होगा, नई तकनीकी का प्रयोग करना होगा जिससे बालक का रुचि होने लगे उस विषयों के प्रति। ऐसा उपयोगी विषय लाना है, ऐसे इंटरेस्टिंग लाना है, तो आखिर में कौन से ऐसे विषय को पढ़ाया जाए, तो अभिनव होता है, अभिनय, अभिनय करना, अभिनय आ जाता है, और चित्रकारी होता है, कला होता है, कला हो गया, इसी में चित्रकारी आता है। जब चित्रकारी हो गया या डांस हो गया, इसलिए कहा जाता है बच्चों को कला के माध्यम से, गागा के माध्यम से, डांस के माध्यम से उसको यदि शिक्षण कार्य कराया जाए या उसको सिखाया जाए तो विद्यार्थी बहुत तेजी से सीख लेता है और उसका रुचि उन विषयों के प्रति बढ़ने लगती है। और जब विषयों के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी, इसके मतलब वो कठिन से कठिन विषयों को क्या करता है, कठिन से कठिन विषयों को वो सीख लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दूसरा हमारा क्या सिद्धांत आ गया, रुचि का सिद्धांत आ गया। अगला हमारा सिद्धांत आ गया अब प्रेरणा का सिद्धांत है, अब प्रेरणा का सिद्धांत है, मतलब मोटिवेशन थ्योरी आ गई, हमारी अगली मिल गई मोटिवेशन है। मोटिवेशन अब प्रेरणा है, अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है आइए देख लेते हैं। आपसे पूछता है कि प्रथम गुण अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए, प्रथम गुण अध्यापक के अंदर उसकी मोटिवेशन होना चाहिए। यदि अध्यापक के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो शिक्षण कार्य करना बंद कर दे। आपसे प्रश्न पूछेगा एक अध्यापक के अंदर होना चाहिए क्या, होना चाहिए योग्यता, होना चाहिए विषयों का ज्ञान, होना चाहिए अभिप्रेरणा का ज्ञान, होना चाहिए योग कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो उसका गुण क्या होना चाहिए, उसका गुण अभिप्रेरणा का प्रथम गुण होना चाहिए।
यदि अध्यापक के अंदर मोटिवेशन की क्षमता है तो उस विषयों में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो विद्यार्थी उन विषयों में प्रवीण हो जाता है, उसका मन लगने लगता है। तो प्रेरणा अप्रेरित करने के लिए इसलिए बालकों को क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा, प्रशंसा और पुरस्कार क्या है? प्रशंसा और पुरस्कार बालकों के मोटिवेशन में योगदान देती हैं, जिससे बालक मोटिवेट हो जाए और कठिन से कठिन विषयों को क्या करे, कठिन से कठिन विषयों को वो सीखना प्रारंभ कर दे, जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार मित्रों हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बता दिया कि जो है सिद्धांत क्या होते हैं। अभी और भी सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो मित्रों जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।